नमस्कार दोस्तों, में आपका स्वागत। कैसे इस वीडियो में बात करें रियलमी सी थ्री के बारे में। कैसे रियलमी सी थ्री में फाइनली जो जुलाई महीने का अपडेट था वो रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया है। तो कैसे क्या क्या फीचर देखने को मिलता है और क्या क्या बग्स फिक्स हुआ है ये वीडियो में आपको बताना है। तो कैसे किधर भी स्किप मत करना। और कैसे वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो RMX 2027 ए रियलमी सी थ्री का मॉडल नंबर है। और बात करते हैं वजन की तो 8.37 वर्जन है। और गाइस साइज़ तो मुझे नहीं मालूम, साइज़ आपको मालूम होगा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और चेन लॉक की बात करें तो चेन लॉक में आपको पहले देखने को मिल जाएगा जुलाई महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, मतलब 5 जुलाई का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। और सिस्टम में कुछ एक लैंग्वेज ऐड किया गया है जो अपने कुछ काम का नहीं है, वो लैंग्वेज ऐड कर दिया गया है। और सेटिंग में ऐड किया गया, मतलब जैसे कि आप नेविगेशन बटन था रूट करते थे मतलब फ़ोन को, तो अच्छे से काम नहीं करता था, तो गाइस उसको ऐड कर दिया गया है। और ऑप्टोमाइजर जो फ्लाइट मोड और ब्लूटूथ वाला इशू था उसको फिक्स कर दिया गया है इसमें। मतलब बहुत सारे डिवाइस में आया था तो इसमें भी आया है फ्लाइट मोड और ब्लूटूथ वाला इशू। जैसे कि आपको पता होगा ब्लूटूथ ऑन रखते थे तो फ्लाइट मोड दबाते थे तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था, लेकिन अभी आप ब्लूटूथ ऑन रखोगे और फ्लाइट मोड दबाओगे तो ब्लूटूथ नहीं बंद होगा। तो कैसे अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑप्टोमाइज कर दिया है, फिक्स कर दिया गया है। और सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा जो ऐप सेटअप का स्पीड था, जैसे कि आप ऐप कोई भी खोले हो जैसे बैक हो गया तो उसकी स्पीड बढ़ा दिया है, मतलब ऑप्टोमाइज़ कर दिया कि आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिले, मतलब फटाक से बैक हो जाएगा ऐसा ऑप्टोमाइज़ कर दिया गया, मतलब स्पीड बढ़ा दिया है। और सेकंड में देखने को मिलता है जो इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते थे तो उसकी भी स्पीड बढ़ा दी है, मतलब थोड़ा टाइम लगता था इंस्टॉल होने में तो गाइस उसकी स्पीड बढ़ा दिया गया है। और स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्टोमाइज द डिस्प्ले, मतलब जो चार्जिंग बैटरी का डिस्प्ले था जिससे बैटरी आइकॉन जिसे चार्ज में लगाओगे तो बैटरी आइकॉन कैसा देखने को मिलता था, तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा इस बार ये अपडेट के बाद। और कैमरा में कुछ ऑप्टोमाइज़ किया गया, स्पीड कोल्ड स्टार्ट मालूम नहीं किया है गाइस, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया गया और ऑप्टोमाइज़ कर दिया गया कैमरा का। और कॉलिंग में कुछ मतलब इशू आ रहे थे इमरजेंसी नंबर में, मतलब कुछ इशू आ रहा था तो गाइस उसको फिक्स कर दिया कि इशू ना आए। और कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको कुछ मतलब अच्छे से ये कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो रहा था, मतलब लग रहा नहीं था, तो गाइस उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस ये अपडेट अभी रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया है। और बात करते हैं कि मैनुअल लिंक की, तो मैनुअल लिंक अभी तक नहीं आया, 8.33 वाले मैनुअल लिंक चल रहा है। और बात करते हैं ऑल यूज़र को कब तक देखने को मिलेगा, तो गाइस एक वीक में 80-90% यूज़र को देखने को मिल जाएगा और 100% यूज़र को 2 वीक लग जाएंगे। तो गाइस ये अपडेट अभी रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया, तो फटाफट जाके देखो आपके डिवाइस में आया कि नहीं। और गाइस इतने थे वीडियो में, कुछ अपडेट आएगा तो वीडियो में देख दे दूंगा। तो गाइस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।